कल आ जाते हैं गलती से और दोस्त बड़ी गाड़ी का दिया जाता है। हम समझ सकते हैं तुम्हारे दुख को और हर आदमी समझ रहा है। हमारे ऑफिसर्स भी खुद गाड़ी चलाते हैं संडे के दिन, हमारे ऑफिसर्स की बीबियां भी चलाती हैं, बच्चे भी चलाते हैं क्योंकि इंजॉय के तौर पर टूर पर निकल जाते हैं। मुझे नहीं लगता हमारे ऑफिसर अधिकारियों के बच्चे भी इस टेंशन में हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आखिर वो कहें तो कहें किससे, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्हें अब से पहले एक्सीडेंट हो जाता था, अप्रोच करके बच जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका भी मिसयूज हो सकता है। साथियों, इससे हर आदमी प्रताड़ित है, बिल्कुल हर आदमी इस चीज से दुखी है, इसमें कोई निशंदेह कोई निसंकोच मैं इस चीज को कह सकता हूँ। कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी आम नागरिक, हम मानते हैं मानवता, बीइंग ए ह्यूमन, हर आदमी मानवता रखता है कि ये मानव की जान बचानी चाहिए। उस पर सरकार को सोचना था, जब मानव की जान बचा रहे हो तो जो बचा रहा है उसको कम से कम 1,00,000 रुपए नगद इनाम, उसको कोई ना कोई अच्छी प्रशंसा तौर पे उसको प्रशंसा पत्र देकर या किसी तरह उसको बड़ा सम्मान किया जाए। और अगर वो ड्राइवर वहां रुकता है, यदि उसको पब्लिक मारती है तो पब्लिक को भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसा कुछ संशोधन होना था ताकि इसको आज दिल से एक्सेप्ट करते सभी लोग, पब्लिक के अंदर भी भय का माहौल होता, पब्लिक इसमें आने वाले समय में जो आप बोल सकते हो जिसको कई बार मारपीट के जो मुद्दे हो जाते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, उन चीजों को बढ़ावा मिलेगा, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। और मेरे मान लो मेरे सपोर्टर, मैं कहता हूं कि भाई जनाब हमारे बीच में हम तैयब घासड़े साहब को ले, सरताज को ले, इनकी गाड़ी से मैं बोलूंगा, मैं इससे चिढ़ता हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ। मैंने कहा नहीं, तैयब घासड़े जी की गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, मेरे परिवार के इस बंदे को मार दिया, तो बताओ कौन चीफ जस्टिस को सर्टिफाइड करेगा मारा कि नहीं मारा है। मारा तो है ना, किसने मारा, उसी चीज में उलझ के ले जाएगा, एक आम आदमी सजा भुगतेगा। साथी, बहुत गहरा सोचने का विषय है और मैं चाहता हूँ 22 करोड़ जो ड्राइवर हैं उनका रिश्ता पूरे देश से है, क्योंकि किसी का कोई भाई है, कोई पत्नी है, ये सब तो ड्राइवर है नहीं, उनके बच्चे हैं, उनके सास ससुर हैं, उनके माँ बाप हैं, भाई बहन है और रिलेटिव है। साथियों, पूरे देश का रिश्ता ड्राइवर से है। साथियों, कोरोना काल के समय, कोरोना काल के अंदर यदि ड्राइवर भी अपनी छुट्टी कर लेता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच पाते, क्योंकि ड्राइवरों ने ऑक्सीजन पहुंचाया, जान हथेली पर लेकर एक दूसरे की जान बचाई, हॉस्पिटल तक डेड बॉडी पहुंचाई, इधर उधर जाने बस जैसे कोई बीमार थे, मेडिकल पहुंचाई, फल सब्जियां पहुंचाई, आज जो समय पर आप सबको मिल रही है, आज भी आप पहुंचा रहे हैं फल सब्जियां जो ताजा खा रहे हो, सर्दियों के गर्म कपड़े पहन रहे हो और चीजें जो आप लोग यूज कर रहे हो, ये बिल्कुल ड्राइवर भाइयों की मेहनत है, ये हर आदमी जानता है। हमारा मुलाजिम भी जो सामने खड़ा है ड्यूटी के दौरान तैनात है, वो भी समझ रहा है, क्योंकि इन सबके पास गाड़ियां हैं, ये भी घर को जब ड्यूटी पे आते हैं ये भी गाड़ी चला के आते हैं, लेकिन जब से कानून बनाया इन्होंने भी सोच लिया कहीं ऐसा ना हो हादसा हमसे भी हो जाए। तो साथियों, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकारी गति कानून में एक बीच में आदेश अनुसार मजबूरी है, वो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर उनके जज्बात अकेले में बात करें, हमारे भी सरपंच भाई बड़े साजिद भाई पहुंचे हैं और जनाब